नमस्कार, मैं सुनीता आपका इंडियन कुक में स्वागत करती हूँ। आज मैं स्माइली बनाऊंगी, इसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। आप बच्चों को इसे लंच में दें, बच्चे खुश हो जाएंगे। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए आपको आधे किलो आलू लेने हैं। इसे उबाल कर इसके छिलके हटा लें। 4 चम्मच प्रोसेस चीज, 4 चम्मच अरारोट पाउडर, 1 चम्मच सोया सॉस, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार। सबसे पहले आलू को अच्छे से मैश कर लें। इसे बिल्कुल बारीक मैश करें। उसके बाद इसमें सारी सामग्री को डाल दें। ये चीज आपको किसी भी डेयरी की दुकान पर आसानी से मिल जाएंगे। इसमें चीज होने की वजह से बच्चे इसे बहुत ही पसंद करते हैं। आप अरारोट की जगह कॉर्नफ्लोर पाउडर भी डाल सकते हैं, जो आपके पास उपलब्ध हो उसे डाल दें। अगर आप सोया सॉस खाना पसंद नहीं करते हैं तो इसे छोड़ दें। सारी सामग्री को डालकर इसे अच्छे से मिला लें। अब ये मिल चुके हैं, इसे आप 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, जिससे ये थोड़ा सख्त हो जाए और बेलने में आसानी हो। एक घंटे के बाद एक प्लास्टिक रैप ले, उस पर अच्छे से रिफाइन लगा दें। अपने हाथों में भी रिफाइन लगा ले और जो आलू हमने फ्रिज में रखे थे उसे फ्रिज से निकाल ले और रैप पर फैलाकर बेल ले। इसे ज्यादा पतला नहीं बेलना है। आप चाहें तो इसे रात में बनाकर फ्रिज में रख दें और सुबह इसे तलकर बच्चों को लंच में दे सकते हैं। इसे बेलने के बाद स्माइली फेस तैयार करेंगे। उसके लिए एक गिलास ले और गिलास से स्माइली फेस काट लें। इसी प्रकार आप सारी स्माइली फेस को तैयार करके रख लें। बचे हुए आलू को इकट्ठा कर उसके भी स्माइली फेस तैयार कर लें। स्माइली की सारी फेस तैयार है। अब हम स्माइली की आंख बनाएंगे। उसके लिए आप एक स्ट्रॉ लें और इस तरीके से स्माइली की आंख बना लें। उसके बाद हम स्माइली की मुंह बनाएंगे। उसके लिए आप एक चम्मच ले, चम्मच की सहायता से आप इस तरीके से स्माइली की मुंह बना लें। इसी प्रकार आप सारी स्माइली फेस को तैयार करके रख लें। सारी स्माइली फेस तैयार करने के बाद चूल्हे पर आप एक कढ़ाई रख दें, उसमें रिफाइंड डालकर गर्म कर लें। आप चाहें तो इसे पैन में भी बना सकते हैं। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें स्माइली डाल दें। इसे उलटकर दूसरी तरफ से ही पका लें। इसे ज्यादा नहीं पकाना है। जब ये पक जाए तब इसे एक टिश्यू पेपर पर निकाल ले, जिससे कि टिश्यू पेपर तेल को सोख ले। स्माइली बनकर तैयार है। इसे आप सॉस के साथ बच्चों को दे और आप खुद भी खाएं, और इसे आप घर पर बनाकर जरूर देखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।